तो दोस्तों सुबह का नमस्कार। देखिए हम लोग तो स्टेशन पहुंच ही गए हैं, और पहुंचने के बाद ना मतलब अभी ट्रेन एक घंटा पूरा लेट है, आधा घंटा हम लोगों को रुके हुए हो गया, लेकिन एक घंटा अभी और लेट दिखा रहा। आप देखिए जब तक सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें, तो बच्चे क्या कर रहे हैं वो मैं दिखा रही हूँ। देखिए अंजलि ना न्यूज़ पेपर पढ़ रही है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, ये लोग गेम खेल रहे हैं, अपना ही गेम खेल रहे हैं, अपना ही गेम बनाए हैं, तीनों के तीनों अपना गेम खेल रहे हैं। अच्छा बनाया हुआ गेम खेलने में मज़ा आता है। पहले मम्मी बोलती थी ना कि तुम लोग अपना मतलब तुम लोग गेम खेलते रहते हो पूरे दिन, ठीक है, तो हमने सोचा कि ना अपने गेम बना के फिर पूरे दिन। नहीं मम्मी ये नहीं बोलती थी, लड़की को बताओ मम्मी तो क्या बोलेंगी, तेरी गेम है तू खेल रहा है, जब अपना बनाएगा तो खेलियो। दिन आ गया। पापा को बोले पापा अभी खेलो, पावर में बैठ के खेलूंगा आराम से। डेढ़ घंटा इंतजार कर रहे थे, इसीलिए गेम ये मजे कर रहे। भाई गेम तो दिखाओ अपना, तुम्हारे गेम का प्रमोशन कर दूं। पैसा कितना दोगे प्रमोशन का भैया? नहीं देखा, दिखाओ भाई गेम, दो तीन टाइम तो बर्तन धुलवा लेना। दिखाओ अपने फोन में, दिखाओ कि चला रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। लो भाई देख लो। अच्छा मनाली का ट्रिप दे दोगे? मनाली का ट्रिप दोगे? हाँ पापा जाओ, तब पर वो करेंगे क्या बोलते हैं प्रमोशन मिलेगा, मिलेगा कोई ना कोई ट्रिप मिलेगा आपको। तो भाई कितना इंस्टॉल हो जाएगा तो जाने का मिलेगा ट्रिप हमें? दस हजार हो गए, 5000 हो गए। तो दोस्तों 10,000 इंस्टॉल करवा दीजिए आगे, और दोस्तों 20,000 इंस्टॉल करवा दीजिए। हाँ तो 1,00,000 इंस्टॉल करवा दीजिए, और प्रिंस कह रहा है ठीक है, और उसके बाद हमको मनाली का ट्रिप देंगे तीनों तीनों। ये देखिए तीन किधर है, एक तो दिख ही नहीं रहा है, ये एक दो तीन ठीक है, वो हमारी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता चलेगा। तो देखिए आप लोग 1,00,000 इंस्टॉल कर दीजिए अगर हमको मनाली में देखना चाहते हैं, और आपको भी लेके जाऊंगी इतनी गर्मी में, और आपको भी दोस्तों खूब लहलहाती गर्मी में ना लेके चलेंगे ठीक है, आपको भी बहुत मजा आएगा मनाली में। तो ये देख रहे हैं कितना भीड़ भाड़ है, ट्रेन अभी आई नहीं है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी चलिएगा, हम इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग भी चलिएगा साथ में। आ गई ये अपनी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, हम उस ट्रैक पे हैं, ये अपनी नहीं है। बहुत ही अच्छा है। चेस आप भी चल लीजिए, और क्या उसका टिकट टूटी लगता, रोज मेरे साथ ही सोता था उसका साथ, उसके याद आएगी मेरे को क्या करेंगे। रात को उठता है ललित सोया था, ये सोया था हैं, और बोल रहा है कहाँ नींद नहीं आ रही है बड़ी मम्मी, फिर मैं बोली सो जा हवा चल रहा है, ललित भी सो गया, ये भी सोने के नाटक करने लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन सो नहीं पाया।
जब मेरे को भी दो चार मच्छर काटने लगे ना, तो ये बोल रहा का कि मच्छर काट रहे लग रहा मच्छर लाइट नहीं थी अंदर, हाँ तो फिर मैं बोली कि लाइट नहीं था पहला तो, हाँ लाइट आ गया है चलो चलते हैं। तो जैसे मैं बोली चल ना, बिस्तर उठाया चल लिया अंदर भाग लिया। फिर जो आए हम लोग सोए हैं, उसके बाद फिर नींद नहीं खुला, रात सुबह खुला और वो भी लेट हो गया है। कितनी देर से खड़े हैं। बहुत से दोस्तों को हमारा प्रिंस का वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है, तो प्रिंस के चैनल पे आप देख सकते हैं प्रिंस का वीडियो, ठीक है। और अभी तो हम लोग भाई इंतजार ही कर रहे हैं खाली ट्रेन का। एकमा स्टेशन न्यू बन रहा है अभी, तो सिंचाई उचाई हो रहा है, देख रहे हैं तराई हो रहा है, अभी नया बन रहा है भाई। ट्रेन तो बहुत लेट है, अभी इधर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये उड़ीसा वाला ट्रेन है, कहाँ लिखा कहाँ है अभी देखना, लिखा होगा। अच्छा लिखा होगा, तो ये है उड़ीसा का ट्रेन, ये उड़ीसा जाएगा, देखते हैं। अच्छा अच्छा ये वाला दूसरा है। भाई ट्रेन का इंतजार करते करते खटिया खड़ा हो गया, सबकी खटिया खड़ा हो गई है, गेम खेल खेल के गुजारा कर रहे हैं भाई। स्टेशन पर दोस्त तो बहुत हैं, उनमें से कुछ दोस्त तो मिल ही जा रहे हैं, और एक दोस्त ना मोबाइल में सर्च करके फिर देख रही है कि वही है कि नहीं है। ट्रेन आ रही है, ये वाला ट्रेन प्रिंस जाएगी उड़ीसा। हाँ ये देख रहे हो लिखा है ना, गोरखपुर हटिया मोरिया एक्सप्रेस, ये देखो लिखा गोरखपुर से हटिया, हाँ जा रही है उड़ीसा। बाय बाय, सावधान, ट्रेन आ रही है, दोनों हो गए हमने, ट्रेन आ रही है सावधान। तो भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है, आएगी आएगी यहीं पे आएगी। भाई भगदड़ मचते हुए, भगदड़ मच गया, हाँ चलिए 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 आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, सब कोई चढ़ जाएगा, सामान का ध्यान रखना। अरे रुकिए आराम से भाई, कर देना पापा चैन फुल कर देना, अभी 10 मिनट रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी, आगे आगे वाले में मम्मी, हम आगे वाले में नहीं चलना, इतना ही लोग है भाई, हमारा सारा सामान यहाँ पर आ गया है, और कुछ कुछ हमने सेट भी कर दिया अब यहाँ पर। भाई बड़ा मुश्किल हुआ, पीछे डब्बा लगा दिए थे वो जो B2 में था ना हम लोगों का, A2 में, इतना दिक्कत हुआ आने में, कुछ मतलब प्लेटफॉर्म ही नहीं था वहाँ पर, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं था ना, प्लेटफॉर्म नहीं था वहाँ पे, और कुछ लोग भी हबड़ा देते हैं। अभी प्रिंस चला जाएगा भाई, क्या बोले, अगला स्टेशन प्रिंस का है, अपना बैग बॉक्स सही से रखना है। तो भाई प्रिंस जा रहा है अब, बाय भाई, चलो ठीक है भाई, मिलेंगे जल्दी, बाय। सामान साइड कर ले और भैया को कॉल करो, आओ
मीन्स अपने घर जा रहे हैं। बाय भैया, आएंगे तभी जाना। चलो भैया आ रहे यहीं पर, सीढ़ी पर है। चला गया ना, याद आ रहा है। फ्रेंड्स का भी सलाद यहीं पर रह गया। मम्मी सलाद लंच नहीं किया है हमारे साथ, घर जाके लंच कर। पानी दियो यार, पहले पानी पी लूं। भाई मेरे सर को कोई फोटो खींच के भेज दो, फोटो भेज दे। अभी अभी सलाद हम काटे ही थे तब तक हमारे दोस्त चढ़ गए हैं ट्रेन में। देखिए दोस्त, सबसे छोटी दोस्त हमको पहचान ली, ये छोटी वाली दोस्त है। वो भी ये गुड़िया की, ये तो आंटी है जो खाना बनाती है। एक बड़ी गुड़िया भी है। तो अभी तो हमारे दोस्त मिले हैं तो बनारस जाएंगे। बनारस के बारे में बताए, हमें बहुत पसंद आया बनारस। और अभी हम लोग सलाद पार्टी कर रहे हैं ट्रेन में। आपको गाजर पसंद है? गाजर से बॉडी बनता है। अब हम शुरू करेंगे अपना खाना। और खाने में क्या क्या अंजलि भाई, आज मेनू में बहुत शॉर्टकट है। नहीं, ये लिट्टी भी है। ये आंटी लाई सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। ललित भाई पूरा हो गया भाई। पूड़ी, पराठे और रोटी, सब है भाई। सब्जी निकल इसमें तो भाई खाना पीना खा लिए हैं, अब विश्राम का समय है। क्योंकि दो दिन से तो ऐसा हुआ है, क्या बताएं, भागम भाग भागम भाग। इधर अंजलि सबका बिस्तर लगा रही है, देखिए मेरा भी लगा दी, अपना भी लगा रही है। तो हमारे लिए स्पेशल नीचे का सेट, हमारे लिए स्पेशल नीचे का सीट मिला है जो कि मोदी जी दिलवाए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ये दर्द को, सब कोई, हाँ सब कोई सोने जा रहे हैं। ठीक है, तकिया का सब मान मान अपना थी कर लेना। तो गुड नाइट बोल दूं क्या अपने दोस्तों को? गुड नाइट। अगर दिने में गुड नाइट बोल देंगे तो रात ही कब बोलेंगे? तो भटनी जंक्शन आने वाला है, मैं दिखाती हूँ आपको बाहर से। तो भाई मंजिल करीब है, भटनी वाले लोगों के लिए मंजिल करीब है। आ गई आ गई आ गई भटनी जंक्शन, देख रहे हैं जंक्शन। तो बहुत ही बड़ा स्टेशन है भटनी। अब यहाँ पे ये जो बैलगाड़ी है ना, इसका इंजन चेंज होगा। हमारे यहाँ वैसे ये लीची एक्सप्रेस को ना, लीची एक्सप्रेस है ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बोला जाता है बैलगाड़ी। समझ लू ना बबनी। तो अभी चेंज होगा, इसका मुंडी चेंज होगा, फिर सब बोलेंगे पता। अच्छा दोस्तों, हम पकाते नहीं है ना, कभी भी नहीं पकाते, खाना नहीं पकाते। हाँ आपको नहीं पकाते, सिर्फ खाना पकाते हैं ठीक है। जितना हाँ अंजलि बोलिए, आप मेरे को पकाओगी हाँ। तो जितना दो दिनों से बात नहीं किए है ना अपने दोस्तों से, उतना आज पूरा कर लो। अभी गुड नाइट है, भटनी आ गया भाई। जलेबी जलेबी देखिए, भटनी का क्या चीज फेमस है बताना है आप लोगों को है? क्या चाहिए? चलिए देखिए। अरे वाह, मटनी वाले आ जाए, मटनी वाले सारे भैया पूरी लेके इंतजार में है हमारे। ये जलेबी नहीं खानी है मुझे, बनती हुई जलेबी खानी है। बनती हुई जलेबी, बनती हुई खानी है। यार ये तो जलेबी वाली दुकान ही नहीं है यहाँ पे। गया भटनी तेरा। मेरा फोन तेरे पास। तो भाई अंजलि का फरमाइश है, कुछ खाएगी बोल रही है। तो उतरे हुए हैं इधर, बहुत से भाई यात्रीगण उतर रहे हैं। ये देख रहे हैं भटनी जंक्शन, ये देख रहे हैं। ये देख रहे हैं भटनी जंक्शन। गर्मी तो भाई है बहरी,
हम आ रहे हैं, 5 मिनट रुके रहना, ट्रेन को बोल दिए हैं। दोस्तों कोई भटनी है तो आ जाओ। वहीं उतर के फोन को तो जलेबी खा ली और अब जा रहे हैं सोने। और यहाँ पे तो लगे सो भी गया भाई। ट्रेन में भी दोस्तों की कमी नहीं है, हमको तो पता ही नहीं था कि इतने सारे दोस्त हमको मिलेंगे। अब इधर देखिए एक दीदी मिली है, तो देख रहे हैं एक दीदी हमारी मिली है, बड़ी दीदी, और ये रहती हैं दिल्ली में, और एक और हमारी दीदी हैं वो भी दिल्ली में, कुसुम लता जी, वो भी दिल्ली में रहती हैं। दोनों सहेली हैं, और दीदी को मैं मिल गई ट्रेन में। अब मैं सोई थी, अब बोल रही लग रहा तुमको कहीं देखे, देखी हूं। देखी हूं। हाँ, तो हमको इतना मतलब मैं नींद में थी तो इतना खुशी हुआ। फिर मैं आई दीदी से मिलने के लिए, देखिए दीदी इधर चाय मंगवाई है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो बोल रही है कि हमारे लिए, ये देखिए रुक जाइए, उल्टा हाथ हो जाइए, उल्टा हाथ से ना ये देखिए दीदी के लिए। दीदी तो हमारे घर पे तो नहीं आई है, ट्रेन में मिली है। आप हैं पासे की हैं? पास के कहाँ हैं? घर के मतलब घर के पास के ही हैं। अब ट्रेन में मिली है, बताइए, आज तक कभी नहीं मिले हम। तो छह मंथ में 3 बार चाय पी हूँ, चाय में छोड़ दी हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों। तो देखिए शाम का समय हो गया, ट्रेन जो है बनारस पहुंच चुकी है, और सब सो रहे हैं। मैं अपने पास का लाइट ऑन करके, ये वाला लाइट, फिर थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर दे रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि दोस्त होने के बहुत फायदे हैं। एक तो पूरे रास्ते मजे से कट गए, एक दोस्त अभी बनारस में उतरी है, एक दोस्त अभी अमरूद बनारस से खरीदी है, वो खिला रही है लाके। देख रहे हैं दोस्तों होने के कितना फायदा है। और इधर अंजलि भी खा रही है लक्की, इधर देखो आ जाओ खा लो चाय। चाय आधा में तो लाइट नहीं आ रही है, आधा में लाइट आ रही है। देखिए यहाँ से ये छोटका बल्ब दिख रहा है यहाँ मुंडी के ऊपर, तो इस बार ऊपर का सीट मिला है दोस्तों। फिर से बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ऊपर का सीट मिलता है ना, तो बार बार ट्रेन में घूम नहीं पाती हूँ। अभी ललित गया था, ललित पानी लेने गया था, तब 4-5 बोतल लेके आया, क्योंकि हम लोग सुबह से प्यासे हैं। सुबह से प्यासे हैं। हाँ। तो ये रहे ना, ये वाला पानी पीते फिर जब प्यास होते तो। लोग पूछ रहे थे ललित से, क्या पूछ रहे थे? मतलब उनको लग रहा था कि मैं बेच ही रहा हूँ। हाँ? उनको लग रहा था मैं बेच रहा हूँ। तो तुम्हारे पास तो ड्रेस भी नहीं था, तो कैसे पूछ रहे थे? ऐसे ही पता नहीं, उनको लगा 4 बोतल लेके चलते, क्या पता बेच ही रहे। हाँ। और ऐसे भी करते हैं ना, हाथ में 2-4 लेके चलते। तो थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे, फिर तो रात भर सोएंगे मजे से।